डी स्टूडेंट्स ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इसके स्टैंडर्ड्स और ट्रेनिंग ये दो इम्पॉर्टेंट पिलर हैं स्टैंडर्ड्स में आपको मालूम है जैसा कि मैनेजमेंट साइंस में अक्सर हम आई एस ओ की बात करते हैं आई एस ओ स्टैंड फॉर इंटरनेशनल स्टैंडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये ऑर्गेनाइजेशन जिनेवा में है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम ये है कि आर्गनाइजेशन के लिए स्टैंडर्ड्स बनाना और फिर ऑल ओवर द वर्ल्ड यूनिफाइड वे में उन स्टैंडर्ड्स को इम्प्लीमेंट करना इसका कोर ऑब्जेक्टिव है इसी तरह जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के रिलेटेड हैं उनके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन इस वक्त काम कर रही है उसका नाम है ओ एस एच एस एच ए स्टैंड फॉर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और इस ऑर्गेनाइजेशन का बुनियादी काम क्या है डियर स्टूडेंट्स मैं आपको अभी बताता हूँ ट्रेनिंग ज ऑलवेज बिन आ हाईली आर हाई प्रयोरिटी विद आकोपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन ओ एस एच ए का जो बुनियादी मकसद है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है और डी ए स्टूडेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ट्रेनिंग है क्या ट्रेनिंग कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉलेज फ्राम वन पर्सन टू अनादर परसन सो ही अर शी कैन परफॉर्म हिज हर ड्यूटीज इन अ बेटर वे इसे ट्रेनिंग कहते हैं अब ये जो ट्रेनिंग है डी स्टूडेंट्स ये ऑन जॉब भी हो सकती है और ऑफ जॉब भी हो सकती है ऑन जॉब ट्रेनिंग का ये मतलब है कि जो एम्प्लाई है उसको जॉब आपने दे दी एम्प्लाई का पहला दिन जॉब पे है सीनियर एम्प्लाई से वो सीख रहा है और साथ साथ वो काम भी कर रहा है इसको ऑन जॉब ट्रेनिंग कहते हैं और दूसरा ऑफ जॉब ट्रेनिंग ऑफ जॉब ट्रेनिंग में ये होगा कि आप एम्प्लाई को कहीं भेजते हैं एक वीक के लिए दो वीक के लिए एक महीने के लिए तीन माह के लिए सिक्स मंथ के लिए उसको ट्रेनिंग दी जाती है बाकायदा तौर पे और जब उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल हो जाती है फिर उसको कहीं पर डिप्यूट किया जाता है इसको ऑफ जॉब ट्रेनिंग कहते हैं ट्रेनिंग चाहे ऑन जॉब हो या ऑफ जॉब हो एम्प्लॉय को जॉब स्टार्ट करने से बेहतर पहले उसको देना लाजम है और बेटर क्या है मेरे नज़दीक एज एजे इंस्ट्रक्टर कोर्स मेड्यूल्ड इंस्ट्रक्टर मेरे नज़दीक ऑन जॉब ट्रेनिंग और ऑफ जॉब ट्रेनिंग दोनों का मिक्सचर होना चाहिए पहले को ऑफ जॉब ट्रेनिंग दी जाए वो सीखे लर्न करे एजुकेट उसको करें फिर उसको ऑन जॉब ट्रेनिंग दे जब वो सीख जाए तो फिर उसको बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन में जो उसका डेजिग्नेशन है वो अपॉइंट किया जाए ताकि वो इम्प्लाई आपके लिए बेहतर वे में काम कर सके इसको हम लोग कहते हैं ट्रेनिंग अब नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं और कुछ ट्रेनिंग्स मेड्यूल्स हैं टू प्रमोट ट्रेनिंग एंड टू असिस्ट कंपनीज इन प्रोवाइडिंग इट आकोपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन मेनटेन्स इंडिविजुअल सेपरेट डिवीजन ऑफ ट्रेनिंग एंड एजुकेशन प्रोग्राम द वेबसाइट इज गिवन बिलो डब्ल्यू 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 डॉट ओ एस एच ए डॉट जी ओ वी इस वेबसाइट का मतलब क्या है आकुपेनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन का एक सेपरेट विंग है उस सेपरेट विंग का क्या काम है एम्प्लॉय को ट्रेन करना एजुकेट करना गाइड करना स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करना और उन स्टैंडर्ड्स में रहते हुए ट्रेन करना फिर जो ट्रेन किया जाए एम्प्लॉय को उसको अवेलुएट करना फिर ये देखा जाए कि जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन के ऑब्जेक्टिव हैं डी स्टूडेंट्स क्या वो अचीव हुए हैं या नहीं हुए ये सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है जब ये सारा काम हो जाएगा तो उसके बाद हमने क्या देखना है हाउ एवर इन रीसेंट ईयर्स द ट्रेंड इन डिवेल्पिंग डिवेल्पिंग एंड रिवाइजिंग ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन स्टैंडर्ड इज टू वर्ड्स बींग इंक्रीजिंगली प्रस्क्रेप्टिव अबाउट ट्रेनिंग सबसे ज़्यादा जिस चीज़ के ऊपर फोकस किया जा रहा है ऑर्गेनाइजेशनल ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन में वो ट्रेनिंग मेड्यूल है फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत अच्छे स्टैंडर्ड बना लिए बहुत अच्छा मैनुअल डेवलप कर लिया अगर एम्प्लॉय को मालूम ही नहीं है कि क्या करना है कि आप रिजल्ट अचीव कर सकते हैं नहीं कर सकते इसी तरह एक शख्स के जहन में बहुत सा मटेरियल है जब तक वो दूसरे अपने अपोनेंट शख्स को डिसेमिनेट नहीं करेगा ट्रांसफॉर्म नहीं करेगा कम्युनिकेट नहीं करेगा हाउ ही अशी विल गेट वर्क फ्रॉम दैट पर्सन वो उसका रिजल्ट अचीव नहीं होगा तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन इस वक्त ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स बना रही है ट्रेनिंग दे रही है और जिस चीज़ पे सबसे ज़्यादा इसका फोकस है वो ट्रेनिंग है और ट्रेनिंग की वजह से ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन अपने डिजायर रिजल्ट गोल को अचीव कर रही है